हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस द लेटेस्ट रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं रश्मि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ रश्मिज किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्पाइसी चिकन मसाला रेसिपी। आज मैं इसे बनाऊंगी बिहारी तरीके से। सो चलिए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे सो दैट यू विल नेवर मिस द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चिकन मसाला के लिए मैंने लिया है 1/2 kg चिकन, जिसे मैंने धो के अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो पतले पतले काट के प्याज लिए हैं मैंने। मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 250 ग्राम प्याज लिया है। टमाटर ले लिया है मैंने काट के। नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक कटे हुए, 2 चम्मच गरम मसाला, हल्दी 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच चिकन मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट, फ्रेश धनिया पत्ता काट के लिया है हमने। यहाँ पे मैंने खड़े गरम मसाला लिए हैं, जीरा, दालचीनी, तेजपत्ता, गोलकी, इलायची, बड़ी इलायची एंड फूल एंड लहसुन, और चिकन मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच दही। तो चलिए अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के सिर्फ उसे मैरिनेट करेंगे। थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा सा चिकन मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगी। अभी हम ऐड करेंगे इसमें दही, जो कि हमने लिया था मैरिनेट करने के लिए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारा चिकन का मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए, सोक हो जाए। अभी हम अपना चिकन पहले फ्राई करेंगे। तो मैं कढ़ाई में तेल डाल लेती हूँ। कढ़ाई को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है, गर्म हो गया है अच्छे से थोड़ी से हाई फ्लेम पे। और मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का यूज किया है क्योंकि उसे चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्या करेंगे, मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने लिया है, जिसे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। हमें बहुत पकाना नहीं है इसे, बस थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाए। तो अभी हमारा चिकन इसमें फ्राई हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। तो अभी हमने इसमें चिकन निकाल लिया है, सारे चिकन। अभी हम उसी तेल में क्या करेंगे, अपने खड़ा मसाला डालेंगे। मैं यहाँ पर जीरा ऐड कर देती हूँ, इलायची, गोलकी, तेज पत्ता, दालचीनी, सारी चीज़ें मैंने ऐड किया इसमें ऐड करूँगी, और लहसुन, अदरक और मिर्च। अभी हम इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि उसमें तेल में वो घुल जाए अच्छी तरह से। अभी हम ऐड करेंगे इसमें अपने काटे हुए कांदे, और मैं यहाँ पे अपने कांदे को, प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और मैं क्या करूँगी, अभी अपने इस प्याज में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि वो जल्दी पकता है, प्याज जो है हमारा वो जल्दी पक जाए। तो थोड़ा सा नमक अभी ऐड किया है मैंने, और मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मैं ऐड कर रही हूँ अभी इसमें 1 पूरा गोटा लहसुन। इससे लहसुन का जो है वो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और चिकन भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे ढक दूंगी और थोड़ा थोड़ा ढक के पकाऊंगी।
चलिए ढक देते हैं इसे हम। तो देखते हैं हमारा प्याज कैसा हुआ है। तो अभी ये कलर आने लगा है, ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने में से। अभी हम इसमें क्या करेंगे, काटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे पूरा टमाटर ऐड करूँगी, मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और अभी इसे क्या करेंगे, हम ढक देंगे और ढक के थोड़ी देर और पकने देंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारा टोमेटो इसमें मिक्स होने लगा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अपने सारे मसाले ऐड करें। इसमें ऐड करूँगी नमक, मैं यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप एज पर टेस्ट ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी जितनी हो उतनी। मैं ऐड करूँगी हल्दी, 2 चम्मच हल्दी। हमें मसाला ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि मसाले से ही उसका टेस्ट आता है चिकन का। ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 चम्मच, और थोड़ा सा ऐड किया मैंने। मैं ऐड करूँगी चिली पाउडर, लाल मिर्च, मुझे तीखा चाहिए इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच ऐड किया मैंने। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें गरम मसाला। गरम मसाला से भी चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 2 छोटे चम्मच ऐड किए मैंने। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच। अब चलिए अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब मिक्स कर लिया मसाले। अभी हम क्या करेंगे, इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक ढक के पकाएंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए। ये तो अभी से स्मेल अच्छा आने लगा है। चलिए ढक देते हैं इसे। ये देखते हैं हमारा प्याज कैसा हुआ है। 5 से 10 मिनट हमें इसे पकाना है। और अभी देख सकते हैं इसके साइड साइड से तेल छोड़ने लगा है। हमें इसे जलाना नहीं है, धीरे धीरे करके 5 से 10 मिनट कम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। तो चलिए अभी हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। मैं सारे चिकन ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला और चिकन को। मिक्स हो जाना चाहिए। मैंने अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन और मसाले को, मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। ओके, 2 मिनट के लिए हमने इसे ढक के रख दिया था। अभी हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अभी हम इसमें चिकन मसाला ऐड कर देंगे। मैं इसमें 2 चम्मच चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चिकन मसाला भी जो हमने अभी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है। और अभी हम इसे ढक के 5 से 6 मिनट तक ढक के हम इसे पकाएंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे पकाना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें देखना है कि ये कैसा हुआ है। देखिए इसका तेल निकल रहा है। और बीच बीच में हमें इसे मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है ताकि अच्छे से पकता रहे और चिपके ना। तो ओके, अभी हम इसे ढक देते हैं। चिकन ऑलमोस्ट पकता जा रहा है, हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ढक के। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं अभी अपना चिकन। ओके ये देखिए अच्छे से पक चुका है ऑलमोस्ट। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप सूखा भी इसे खा सकते हो, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए अभी हम इसमें देखें तो ये पक चुका है, चिकन जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी मैं क्या करूँगी, मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं इसमें अभी पानी ऐड करूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितना चाहिए ग्रेवी के अकॉर्डिंग, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। ओके अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें ऊपर से थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करती हूँ क्योंकि उससे जब बॉयल होता है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें ऊपर से चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ।
इसमें। और अभी हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, हम इस पे ढक्कन रख देते हैं और इसे 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे उबल ले देंगे। ओके, तो अभी ये हमारा चिकन रेडी है। तो चलिए, ये रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी हम इसे सर्व करते हैं। मसाला इज नाउ रेडी टू सर्व। आप चाहे तो इसे रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हो। सो आज हमने बनाया एक स्पाइसी चिकन मसाला रेसिपी, वो भी बिहारी स्टाइल में। सो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी हो, और अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे बताना ना भूलें। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू विल नेवर मिस द वीडियो। थैंक यू।